करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जी हाँ, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है आपका मेक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यापारिक पवने कहाँ से चलती है? जी हाँ, व्यापारिक पवने कहाँ से शुरू होती है? तो इसका उत्तर है आपका उपोष्ण, उच्च दाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? जी हाँ, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो इसका उत्तर है आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश व देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया? जी हाँ, किस मानचित्रकार ने अक्षांश एवं देशांतर के अनुसार प्रदर्शित किया था? तो इसका उत्तर है आपका मेरिनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी तट पर उठने वाली तूफानी चक्रवात किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है आपका टार्नेडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? जी हाँ, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? तो इसका उत्तर है आपका हवाई द्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु है? जी हाँ, समुद्र में सबसे अधिक गहराई का बिंदु कौन सा है? तो इसका उत्तर है आपका चैलेंजर द्वीप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? जी हाँ, विश्व के किस महाद्वीप में, या कहें कि किस महादेश में कोई रेगिस्तान नहीं, डेजर्ट नहीं है? तो इसका उत्तर है आपका यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है? जी हाँ, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो इसका उत्तर है आपका वारेनेसिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नम बिंदु बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? जी हाँ, नम बिंदु बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका उत्तर है आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम हरित गृह प्रभाव, जिसे हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं, इसको बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? ग्रीन हाउस इफेक्ट को सर्वप्रथम बताने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो इसका उत्तर है आर्थिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? विश्व के किस देश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? तो इसका उत्तर है आपका चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान, जो कि होमस्टेक है, वह किस राज्य में है? जी हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन खान, जो कि होमस्टेक में है, वह किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है आपका दक्षिण डकोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, कि सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? एंडीज पर्वतमाला, जो कि दक्षिण अमेरिका में है, कि सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है आपका एकांका गुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में रेल का आरंभ किस ईस्वी में हुआ? तो इसका उत्तर है आपका 1853 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो इसका उत्तर है आपका कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? जी हाँ, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। स्वाभाविक है, जब देश आजाद हुआ तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? जी हाँ, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो इसका उत्तर है आपका विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती
चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? जी हाँ, भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका उत्तर है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स, जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? जी हाँ, भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो इसका उत्तर है आपका शताब्दी एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? जी हाँ, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर है 1905 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका उत्तर है आपका 1950 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? जी हाँ, ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका उत्तर है आपका 1.676 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? जी हाँ, 1853 ईस्वी में जो सर्वप्रथम रेलवे चली थी, वह रेल कितनी दूरी तय की थी? तो इसका उत्तर है आपका 34 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है? जी हाँ, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन कौन सी है? तो इसका उत्तर है आपका डेक्कन क्वीन, जो कि कल्याण से पुणे तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुआ? जी हाँ, जीवन रेखा एक्सप्रेस, लाइफ लाइन एक्सप्रेस किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका उत्तर है आपका 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? जी हाँ, भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल कौन सी है? तो इसका उत्तर है आपका पीर पंजाल, जो कि बेनिहाल रेलवे टनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? जी हाँ, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका उत्तर है आपका गोरखपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? जी हाँ, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल कौन सी है? तो इसका उत्तर है आपका मैत्री एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? जी हाँ, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? तो इसका उत्तर है आपका मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन जो अभी भी चालू हालात में है, वह कौन सी है? विश्व की सबसे पुरानी भाप इंजन जो अभी भी चालू हालात में है, वह कौन सी है? तो इसका उत्तर है आपका फेरी क्वीन, भारत में। जी हाँ, फेरी क्वीन भारत में, जो अभी भी भाप से चालित रेलवे इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया? जी हाँ, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इसका उत्तर है जॉन मथाई। जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे, जिन्होंने पहला रेल बजट पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? जी हाँ, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो इसका उत्तर है राष्ट्र की जीवन रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का संग्रहालय कहाँ है? जी हाँ, भारतीय रेलवे का म्यूजियम कहाँ है? तो इसका उत्तर है चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे स्टॉप ऑफ कॉलेज कहाँ स्थित है? जी हाँ, रेलवे स्टॉप कॉलेज कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है आपका बड़ौदा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी? जी हाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी? तो इसका आंसर है आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य हड़प नीति का प्रतिपादन किसने किया था? जी हाँ, कौन से अंग्रेज गवर्नर थे जिन्होंने राज्य हड़प नीति का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर है आपका लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने
राज्य हड़प नीति का प्रतिपादन किया था। ऐसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नई टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।